एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सैटर्न बाय जीएचसी ग्रो बी हेयर नरिशिंग शैम्पू का रिव्यू। ये एक सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री शैम्पू है, अफोर्डेबल भी है। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप पूरा देखें। मैं इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। सो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट द पैकेजिंग। ये इस तरीके का एक काफ़ी यूजर फ्रेंडली पैकेजिंग में आता है, स्लीक एकदम पिंक एंड वाइट कलर में, कलर कॉम्बिनेशन में इसका पैकेजिंग का कलर है, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। आई लाइक दिस काइंड ऑफ क्लासी सिंपल मिनिमलिस्टिक पैकेजिंग। और ये इस तरह से ओपन होता है, यू जस्ट हैव टू प्रेस ओवर हियर और ये ओपन हो जाता है एंड देन प्रोडक्ट कम्स आउट वेरी इजीली। और इसे इस तरह से प्रेस करने से ये क्लोज भी हो जाता है, विच इज़ काफ़ी सिक्योर, क्योंकि ये आप ट्रैवलिंग के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं अपने हैंड बैग पे, अपनी ट्रॉली बैग्स पे, ये लीकेज बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। नाउ इसके अंदर एलोवेरा है एंड वी ऑल नो हाउ मच मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग एलोवेरा इज। एलोवेरा क्लीन करने में भी काफ़ी मदद करता है हमारे स्कैल्प को और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एट द सेम टाइम। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसमें कैफीन। अगर आपको नहीं पता, कैफीन एक एक्सेलेंट स्क्रबिंग एजेंट है जो कि हमारे स्कैल्प को माइल्डली स्क्रब करता है, जिससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम, इची स्कैल्प की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। थर्ड इंग्रेडिएंट इज आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल येट अगेन अमेजिंग इंग्रेडिएंट फॉर आवर स्किन, फॉर आवर हेयर। आर्गन ऑयल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ ऐड करता है। फोर्थ इंग्रेडिएंट है इसके अंदर बायोटिन। बायोटिन हमारे हेयर के लिए एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है, जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में मदद करता है, न्यू हेयर ग्रोथ में स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है और हेयर फॉल को काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में भी मदद करता है। सो इसके अंदर जो चार इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स हैं ना, वो हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और हेयर के जितने भी सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो डैंड्रफ का हो, इची स्कैल्प का हो, हेयर फॉल का हो या बॉल्ड पैचेस का हो, सारे प्रॉब्लम्स को ये कवर अप करेगा ये एक शैम्पू, जो कि आपके हेयर को क्लीन भी करेगा एट द सेम टाइम नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एंड हेयर फॉल को कंट्रोल करने में मदद करेगा। अब आप इसे इस्तेमाल किस तरह से करें। अपने हेयर को पहले आप वेट कर लीजिए, फिर वेट हेयर पर आप इस शैम्पू को डायरेक्टली चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कैल्प पर, हेयर पर, या फिर आप चाहते हैं तो इसे डाइल्यूट करके पानी के साथ इसे मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको कंफर्टेबल लगे, आप उस तरीके से इस शैम्पू को अपने पूरे हेयर पर, अपने स्कैल्प पर अप्लाई कीजिए। थोड़ा सा मसाज कीजिए जस्ट फॉर अबाउट 60 सेकेंड्स, क्योंकि फिर जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है ना, उसको थोड़ा टाइम मिलता है वर्क करने में आपके हेयर पर। तो इसीलिए थोड़ी देर, एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड्स अपने स्कैल्प पर इसे मसाज कीजिए एंड देन वॉश इट ऑफ विथ नॉर्मल वाटर। उसके बाद आप चाहते हैं तो कंडीशनर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। आपके हेयर जो है वो एकदम प्रोटेक्टेड रहेगी और हेयर काफ़ी हेल्दी रहते हैं, विच आई हैव नोटिस्ड आफ्टर यूजिंग दिस शैम्पू। क्योंकि मानसून सीजन में ना, मैं एक्स्ट्रा केयर करती ही हूँ अपने हेयर का, क्योंकि हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा होती है स्पेशली ड्यूरिंग द सीज़न। तो इसीलिए मैंने इस शैम्पू को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं एक नया शैम्पू ट्राई कर रही हूँ एंड उसका रिव्यू भी मैं बहुत ही जल्द शेयर करूँगी एंड हियर आई एम विद द रिव्यू। बॉटल काफ़ी एम्प्टी हो चुकी है, सिर्फ यहाँ तक बाकी है। आई एम डेफिनेटली गोना रीपर्चेस दिस, क्योंकि मानसून के लिए आई थिंक ये मेरा सेवियर है फॉर दिस ईयर, क्योंकि मेरे जो हेयर फॉल इश्यूज़ होते हैं ना, जो स्पेशली मॉनसून सीजन में मैं फेस करती हूँ, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इसके परचेसिंग लिंक्स प्रोवाइड किया है, डू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मेरा कंक्लूजन एकदम क्लियर है लाइक वाटर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एक शैम्पू है जो कि आपके स्कैल्प को क्लीन करेगा अंदर से। एट द सेम टाइम ये आपके स्कैल्प में काफ़ी नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं कि स्कैल्प को ड्राई रख देगा, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। बायोटिन है इसके अंदर, जो कि हेयर ग्रोथ में प्रमोट करता है, हेयर के लिए एक अमेजिंग विटामिन है। सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस वन। इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, ये 200 ml का एक इस तरीके का बॉटल है, जिसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। इट रिटेल्स फॉर जस्ट 479 rupees। और भी ज़्यादा आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।